जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेडिकल की रिव्यू के बारे में। बीएसएफ कैंपस बोसरम नगर मालदा एसएससी डी कांस्टेबल मेडिकल की रिव्यू के बारे में जानेंगे। टोटल 5 दिन की मेडिकल रिव्यू के बारे में जानेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक टोटल कितना कैंडिडेट मेडिकल फिट हुआ डायरेक्ट, कितना कैंडिडेट को रिमेडिकल मिला, कौन कौन सा पॉइंट में रिमेडिकल मिला, रिमेडिकल सेंटर कहाँ पर मिल रहे, कितना दिन बाद कम्प्लीट हो रहा है रिमेडिकल, पूरे दोस्तों डिटेल्स इसी वीडियो में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखना, तो अभी आपको ए टू जेड पता चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं 15 तारीख को, ठीक है। 15 तारीख को सबसे पहले हम जान लेते हैं 15 तारीख को जो भी कैंडिडेट का मेडिकल था, टोटल मेडिकल कैंडिडेट हो गया 54 हो गया मेडिकल कैंडिडेट 15 तारीख को, ठीक है। और 54 में जो डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ ओनली 12 कैंडिडेट डायरेक्ट फिट हो गया, कोई भी पॉइंट में रिमेडिकल नहीं मिला, ठीक है, 12 कैंडिडेट को। और बाकी जो बचा हुआ 42 कैंडिडेट को रिमेडिकल मिला। अब रिमेडिकल कौन कौन सा पॉइंट में मिला सब में लास्ट में एंड में बताएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जान लेते हैं हम 16 तारीख को मेडिकल कैंडिडेट था 57 मेडिकल कैंडिडेट था 16 तारीख को। और 16 तारीख को जो मेडिकल डायरेक्ट फिट हुआ 14 कैंडिडेट, ठीक है, 14 कैंडिडेट डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ। और बचे हुए जो 43 कैंडिडेट को रिमेडिकल मिला, ठीक है। एक गया था 16 तारीख को, गया हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों 17 तारीख को जो मेडिकल कैंडिडेट था 57, ठीक है, 57 मेडिकल कैंडिडेट था, 57 में जो डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ ओनली 16 कैंडिडेट डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ। और बाकी जो बचे हुए 41 कैंडिडेट को रिमेडिकल मिला, ठीक है, ये हो गया 17 तारीख को। फिर नेक्स्ट जानते हैं 18 तारीख को दोस्तों जो मेडिकल कैंडिडेट था टोटल 46 मेडिकल कैंडिडेट था 18 तारीख को। और 46 में जो डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ 22 कैंडिडेट डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ। बाकी बची हुए जो 24 कैंडिडेट को अलग अलग पॉइंट में रिमेडिकल मिला, ये 18 तारीख को कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों 19 तारीख को, ठीक है। 19 तारीख को जो मेडिकल कैंडिडेट था 49 कैंडिडेट को मेडिकल हुआ था 19 तारीख को। 49 में जो मेडिकल डायरेक्ट फिट हुआ ओनली 12 कैंडिडेट, ठीक है, 12 कैंडिडेट डायरेक्ट मेडिकल फिट हुआ, कोई भी पॉइंट में रिमेडिकल नहीं मिला। और बाकी बचे हुए जितनी जो 37 कैंडिडेट हैं तो 37 कैंडिडेट को अलग अलग पॉइंट में रिमेडिकल मिला, ठीक है। आप दोस्तों हम जानते हैं कौन कौन सा पॉइंट में इतने 15 से लेकर 19 तारीख के बीच में कौन कौन सा पॉइंट में रिमेडिकल मिला। सबसे ज़्यादा दोस्तों मिल रहा है कैरी एंगल, ठीक है, जितनी भी डेट है 5 डेट में मिला कैरी एंगल को, ठीक है। कैरी एंगल में मिल रहा है 1 नंबर, 2 नंबर पे मिल रहा है नगनी, ठीक है। नगनी आपको पता है नगनी कैसे जांच होता है, वो नगनी में मिल रहा है, ठीक है। कैरी एंगल हो गया 1 नंबर, 2 नंबर हो गया नगनी, तीसरा नंबर हो गया वेरिकल्स वेन, जो आपको घुटने के पीछे जो वेन है वेरिकल्स वेन है दिखता है, ठीक है, तो हो गया 3 नंबर मिल रहा है। 4 नंबर हो गया दोस्तों डिस्टेंस में बहुत सारे कैंडिडेट बोल नहीं पा रहे, जो 6x6 डिस्टेंस होता है, मतलब लास्ट जो नीचे वाला लाइन है उससे थोड़ा सा आगे वाला जो लाइन उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस भी रिमेडिकल मिल रहा है, ठीक है। और डीएनएस कान में और फ्लैट फुट, ठीक है, ये जो पॉइंट है दोस्तों इस पॉइंट में मिल रहा है। और 1-2 कैंडिडेट को हाइड्रोसल में भी मिला, ठीक है। तो जो पॉइंट कैंडिडेट को मतलब पॉइंट है मेडिकल का तो उसी पॉइंट में दोस्तों मिल रहा है, ठीक है, जो भी जिसका पॉइंट है उसी पॉइंट में मेडिकल मिल रहा है। ऐसा भी कैंडिडेट मैंने देखा 3-4 पॉइंट में मिला, ठीक है, मतलब वेरिकल्स वेन में मिल गया, उसके बाद फिर आपको नगनी में मिल गया, 3-4 भी पॉइंट मिल रहा है एक एक कैंडिडेट को, ठीक है। कोई पॉइंट कैंडिडेट को एक एक पॉइंट में मिला, बाकी कुछ कैंडिडेट है 3-4 पॉइंट में मिला। तो देखिए दोस्तों रिमेडिकल के लिए जो भी कैंडिडेट को एक पॉइंट में मिला तो उनका तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जिनका 3-4 पॉइंट मिला तो मतलब अलग अलग डॉक्टर, रिमेडिकल का मतलब है डायरेक्ट किसी को मेडिकल फिट अनफिट नहीं कर सकता है, उनके लिए एक चांस देता है रिमेडिकल, वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वही स्पेशलिस्ट डॉक्टर फिर जांच करेगा। अगर कोई कैंडिडेट को नाक में मिलेगा, ठीक है, अगर कोई किसी कैंडिडेट को अगर आँख में मिलेगा तो आँख का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, आँख का डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट, तो आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको जाँच करेगा, ठीक है, आँख में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट का 4-5 पॉइंट में मिला उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा,
और फिर भी दोस्तों जो आज जैसे मेडिकल आज कंप्लीट हुआ, फिर भी 3-4 दिन आपको टाइम दे रहा है, क्योंकि रीमेडिकल के सेंटर अलग जाएगा पे, ठीक है, क्योंकि आपका मार्ट मेडिकल जो हो रहा है BSF के मालदा बोसरम नगर पे, लेकिन जो मेडिकल के सेंट्रल मिल रहे हैं, सॉरी रीमेडिकल की जो सेंट्रल मिल रहे हैं, तो रीमेडिकल सेंटर कलकत्ता में मिल रहा है, ठीक है, कंपल्सरी हॉस्पिटल कलकत्ता सेक्टर 5 में जो है, कलकत्ता कंपल्सरी हॉस्पिटल।